सत श्री अकाल जी सारयां नूं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आस करता हूँ कि अभी सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे, और जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज की जो वीडियो है बहुत ही बढ़िया वीडियो है। आज मैं आपको खेती के रिलेटेड वीडियो है, आज मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा जिसका आप रेट सुन के हैरान हो जाओगे भी इतने में तो किलो आता है, उतने में हमारा एक आलू आता है। आप सही सुन रहे हैं कि जितने में एक किलो आलू आता है हमारा एक आलू आता है उतने में एक आलू। वो क्या चीज़ है? वो है ट्यूबर, जो आलू का ट्यूबर होता है और जो हम खेती करते हैं पोटैटो की, जिसमें फर्स्ट जनरेशन का आलू जो लैब से तैयार होके आता है वो आज आपको दिखाएंगे, जो लैब से तैयार होके आलू आता है। मैंने जो कहा आपको वो आप सही सुन रहे हैं, ये महिंद्रा HZPC का ट्यूबर है जो हमने 25,000 मंगाया है अपने खेत में लगाना है, और उसका चौथे साल जाकर सीड तैयार होता है। आप देख सकते हो ये है वो ट्यूबर। ये इस आलू की कीमत 10 रुपये है, ये देख सकते हो आप। ये ऐसे छोटे छोटे आलू हैं, ये देख सकते हो। ये मतलब जो लोग यहाँ पर कोई सीड तैयार करते हैं या मतलब जो फर्स्ट जनरेशन का सीड है उसको ये हम ट्यूबर बोलते हैं। ये हमारा ट्यूबर है, ये हाथ से ही खेत में लगेगा, वो कल दिखाएंगे आपको। ये ट्यूबर मतलब HZPC कंपनी का, जिसको डायमंड बीज का है। ये शुगर फ्री आलू होता है डायमंड, तो काफ़ी देर के बाद में ये पहली बार अभी इसका ट्यूबर आया है, तो हमने इस साल इसका 25,000 ट्यूबर हम लिया है अभी। और ये बेड पे हमने पक्का वगैरह इसकी कूलिंग वगैरह करके, और जब चालू हो चुका है तो हमने परसों ही लेके आए हैं, तो अब ये चलना स्टार्ट हो गया है, देख सकते हो आप। ये देखो, तो ये अब कल खेत में लग जाएगा, ये देख सकते हो। इसकी पैकिंग ऐसे आती है, इसमें कम से कम एक में 5,000 आलू होगा एक बैग में, तो उन्होंने गिन गिन के पाया हुआ है। तो हम कल इसको खेत तैयार करके, जैसे हम आपने पहले वीडियो में देखा है कि जो जो जैसे जैसे करते हैं वो आपको दिखाते रहते हैं कि हमने जैसे भी आलू लगाया था। और ये ट्यूबर है, ये 4 साल में इसका सीड तैयार होगा, और ज़्यादातर तो हम ऐसी जगहों पे लाते हैं जहाँ पर जल्दी जल्दी आलू ना लगा हो और इसके नज़दीक भी आलू ना हो, क्योंकि इसमें वायरस आने का डर ज़्यादा रहता है। और ये एक शुगर फ्री आलू है, जो अब आगे में हम इसको शुगर फ्री में रखेंगे। और इसकी एक की कीमत 10 रुपये है, आप लगा सकते हो कि ये 5 बैग 2.5 लाख के हैं। जिसने बीज तैयार करना होता है तो वो ऐसे तैयार करता है, जैसे हम डेयरी में जो अपना नंबर वन देना चाहते हैं वो नंबर वन देते हैं, और आलू में भी जो भी नंबर वन देता देना चाहते हैं वो नंबर वन ही देते हैं। जैसे इतना महंगा सीड हमने अपने खेत में बोएंगे और फिर उससे अच्छी पैदावार होगी, तो ये देख सकते हो आप। और दिखाते हैं कैसे ये लगता है, लगेगा तो हाथ से ही मतलब दिखाएंगे, बट वगैरह निकाल के आपको कैसे इसमें लगता है। ये हमारा ट्यूबर का सीड लग रहा है, ये हाथ से लगाया जा रहा है।
ये हमारे पास इस साल 25,000 ट्यूबर था जो लगभग इस खेत में लग जाएगा, थोड़ी जगह में लगता है। और जो 30 इंच का बेड है उसके ये बीच बीच में लगता है और इसकी 5 इंच तक बिथ रखी जाती है, 5 और 3 नीचे को, और जो 5 है वो बूटे से बूटे तक। ये फर्स्ट जनरेशन का आलू होता है। ये देख सकते हो, एथो ही लाना, एथे लगा दो। ये हाथ से लग रहा है सीड। ये बीच में तक इसमें सलाब ही ज्यादा जाए तो ही ये अच्छा कामयाब होता है, मॉक्चर जो ज्यादा रहे। एक एक सीड लगाया जा रहा है, बहुत कॉस्टली होता है क्योंकि 10 रुपए का एक आलू लगाया जा रहा है खेतों में। आ चारे बट्टा लगाओ, बस इसी में खत्म हो जाएगा। ये सारा खेत लग चुका है। अभी ये नई जनरेशन का आलू है सारा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।